नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं सिद्धि सिग्नेचर अपार्टमेंट में, जहां पे एक वर्ती तन मन धन से समर्पण के साथ अपने जीवन साथी, अपने प्राण प्रिय पति परमेश्वर के लिए व्रत रखती हैं करवा चौथ, जो बहुत ही विकट व्रत है। और यही तो गरिमा है हमारे भारतवर्ष का, हमारी माताओं बहनों का और हमारी मातृशक्ति का। अगर ये ना रहें तो हम कुछ भी नहीं है, ये सत्य है। तभी तो कहा जाता है विश्व में भारत माता की जय, क्योंकि ये माता प्रधान देश है और हमारी माताएं सदियों से हमारे लिए, हमारे पिता के लिए, हमारे दादा के लिए दादी, हमारे पिता के लिए हमारी माँ, ऐसे ही एक व्रती आज हमारे बीच हैं जो आज करवा चौथ व्रत की हैं। और आइए हम अब आपको उनसे परिचय करवा करके चीज़ों को और स्पष्ट जानते हैं कि उनका कैसा रहा आज का व्रत और क्या रहा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जगत जननी आदिशक्ति माता हम सभी का कल्याण करे। धन्यवाद। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, मैं पंकज। तो भाभी जी, आज क्या प्रोग्राम रहा, एक बार हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका ये वक्त। आज हम लोग का करवा चौथ का प्रोग्राम है। आज के दिन सभी सुहागन अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं, पूरे दिन उपवास करते हैं, उनके लिए भूखा रह के उनका लंबी उम्र के लिए उनका प्रार्थना करते हैं। कितने वर्षों से ये आप इस तरह का व्रत करती हैं करवा चौथ? ये शुरू दिन से ही चलते आया है, जब से हम लोग की शादी हो जाती है तब से ये हर सुहागन लड़की ये व्रत करती है। आज उपवास सारा दिन रहने में कोई किसी किस्म का कोई तकलीफ आपको नहीं? हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है कि आज हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये उपवास करते हैं। जी जी। अच्छा, इस व्रत में क्या क्या वो लगता है, प्रसाद वगैरह और ये क्या क्या सामग्री? एक बार हमारे हम लोग कहानी सुनते हैं। जी जी जी। उठती फिर इसमें ना हम लोग अर्घ देते हैं, गेहूं का दाना का अर्घ देते हैं, 13 गेहूं का दाना लेकर हम लोग उसका अर्घ देते हैं, प्लस कुछ भी मीठा चावल हो चाहे कुछ भी मीठा हो उनका अर्घ देते हैं। और पति अपने हाथों से हमें जल पिलाते हैं और हम लोग अपना उपवास तोड़ के हम लोग खाना खाते रहते हैं। तो आज के दिन पे कुछ और विशेष आप संदेश देना चाहेंगे समाज को, देश को? ये चलती रहे, आगे पीढ़ी भी इसको कंटिन्यू रखे, इससे बहुत अच्छा लगता है, हमें खुद अच्छा फील होता है। आपका नाम? लक्की अग्रवाल।